देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर कई तरीके की बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपने अपने तरीके से मस्जिदों या मंदिरों में लाउडस्पीकर को लेकर बयान दे रहा है। इधर मुंबई में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक बड़ा फैसला किया है। 26 धर्मगुरुओं ने एक बैठक की और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी। दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड, मदनपुरा, नागपाड़ा समेत 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने एक बैठक की और ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि सभी मस्जिदों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर से अजान नहीं होगी। इसका पालन करते हुए मुंबई के मशहूर मस्जिदों में सुबह की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि लाउडस्पीकर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और कानून का सख्ती से पालन कराएं। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाए। अजान को लेकर हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अजान को इबादत समझा जाता है, लिहाजा लाउडस्पीकर से अजान का विरोध करने वाले ये तर्क देते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो उसे लाउडस्पीकर से अपनी अरदास सुनाने की जरूरत है। दरअसल जब नमाज का वक्त होता है तो लोगों को नमाज के वक्त की जानकारी देने और मस्जिद में जमा होने के लिए अजान दी जाती है। अजान के जुमलों में से एक जुमला है हय्या अलस्सल्लाह, जिसका अर्थ होता है आओ नाज के लिए। लिहाजा मस्जिदों में सिर्फ अजान लाउडस्पीकर से दी जाती है, नमाज बिना लाउडस्पीकर या फिर मस्जिद के अंदरूनी लाउडस्पीकर पर पढ़ी जाती है ताकि लोगों को इमाम की सभी क्रिया की जानकारी मिलती रहे। हालांकि इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाएं यानी एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ईद के बाद यानी 4 मई से मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान हुई तो मस्जिदों के बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।